हाँ भाई, तो सीन ये है इस वक्त कि लाइट गई हुई है सुबह 1 बजे से, एंड अभी इट्स अराउंड क्वार्टर टू फाइव, 4:45 बज रहे हैं। ठीक है, यूपीएस जो है वो बिल्कुल अपनी आखिरी, जो इंडिकेटर नहीं होता, जो ग्रीन कलर की बत्तियाँ होती है, बिल्कुल आखिरी वाले पे है। तो यूपीएस ही बंद होने लगे। लैपटॉप में बैटरी नहीं है, डेड है लैपटॉप। फ़ोन भी डेड हो गया है। ये कैमरे में थोड़ी बहुत बैटरी थी, तो मैंने कहा व्लॉग का स्टार्ट करते हैं आज। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको दो लोगों से मिलवाना है और उनके चार बच्चों से मिलवाना है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आसमानों से और जहाज़ों से ज़रा नीचे आके थोड़ी डेली लाइफ का भी व्लॉग एक बनाते हैं। सो ये एक एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी का जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो बस अभी तो ये दुआ कह रहे हैं कि लाइट आ जाए, क्योंकि लाइट आएगी तो एसी चलेगा, गर्मी कम होगी तो मैं सोऊंगा, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल डेड हूँ। मेरी आंखें भी निशाइयाँ वाली हुई हैं, आपको देख रहे होंगे। तो मैं सो कर उठूँगा, ज़रा फ्रेश होऊंगा, तो फिर मैं व्लॉग बनाने के काबिल होऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। हम आपको मिलवाते हैं कैस्पियन से। सो दिस इज कैस्पियन, ही इज माई 1.5 ईयर ओल्ड साइमीज बेल कैट। तो इसको हमने बचपन से नहीं ले पाला है और ये भागने की कोशिश कर। यार बैठे हुए हो ना। अच्छा, तो इसकी आदत है, ये हमेशा सोता रहता है। इसको जहाँ घर में जगह मिल जाए ये वहाँ लेट जाएगा, वहीं सो जाएगा। दिन में तकरीबन ये 18 घंटे ही सोता है, 6 घंटे जिसमें उठता है, खाने के लिए उठता है, पानी पीने के लिए उठता है, अपनी वॉशिंग करने के लिए उठता है, बस फिर जाके सो जाता है। अब ये है थोड़ा सा, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये ना गोद में नहीं ज़्यादा बैठता, जब मूड होता है फिर बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। इसे प्यार से कस्पियान भी कहते हैं हम लोग, कस्पियान या कैस्पियन। ठीक है, तो ये है, तो आप देख सकते हैं मेरी गोद से उतर के ही नीचे वाकई टेबल पे आके बैठ गया। अभी लेट गया सुकून से। अब अगर से मैं इसे छोड़ दूँ ना या आधा पौना घंटा, ये सो जाएगा, फिर भी फास्ट स्लीप, कोई होश नहीं होगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मज़े में फुल नशाइयों वाली फील्स में आके सो रहा। अब हम आपको मिलवाते हैं बटरकप से। तो ये है बटरकप, शी इज़ द फीमेल कैट विच वी हैव। ये थोड़ी ज़्यादा शरीफ है, ठीक है, ये आगे बैठ जाते, देखिए सुकून से बैठी हुई है, ऐसे इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये फिर उठ के चली जाएगी। इसे जिस पोज में भी उठाओ या डांस करो या जो कमाना है, ये ईजी रहती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोथ ऑफ दीज आर 1.5 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो बस वो मेल है, ये फीमेल है, अगेन कैस्पियन एंड बटरकप। तो जब इन दोनों ने बैठ कर किया, तो फिर इन लोगों ने 4 बच्चे पैदा किए, जो अभी कैट्स का जेस्टेशन पीरियड होता है 60 डेज़ का। तो 60 डेज़ में शी गेव बर्थ टू 4 kittens। किटन्स अभी महीना हो गया, इट्स अबाउट 1.5 मंथ सिंस दे बीन बॉर्न। ठीक है, अभी भी काफ़ी छोटे छोटे से हैं, अभी उनको दे जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, तो वो फिदक फिदक के चल रहे होते हैं हर जगह, ना ही उन्हें सही से अभी से चलना आ रहा है। तो वी हैवंट नेम देम येट, 4 हैं, 4 एक ही जैसे लगते हैं, अभी तो फर्क भी नहीं पता लगता, लेकिन बस यही है कि अब आजकल उनको शौक चल गया खाना खाने का, क्योंकि फीड से हट के अब वो खाने पर आ गए। तो अब वो जो इन्हें प्लेटें में जो नज़र आते हैं उसे मुंह मारते हैं, खाया उठ जाता नहीं है, दांत तो के हैं नहीं इस वक्त, लेकिन बस वो खाने की कोशिश करते हैं कि अब खा लें हम इसे किसी तरीके से। तो चिकन हो गया, वो उनका कैट फूड के बिस्किट्स आते हैं वो हो गया, कैट फूड जेली हो गई, जो भी होते हैं वहाँ वही प्लेटों के पास ही बैठे रहते हैं और वहाँ बैठ के आराम से लगे रहते हैं। तो अगेन रीकैप ऑफ द इंटायर फैमिली, कैस्पियन अब्बा, बटरकप अम्मा, 4 बच्चे 1.5 ईयर्स ओल्ड, नॉट नेम्ड येट, जेंडर नॉट नोन येट, एंड बेचने की तैयारी है, क्योंकि 6 बिल्लियाँ रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी अम्मा ने मुझे 2 पे ही काफ़ी सुना दी हैं, एंड 4 बिल्कुल इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हम इंशाल्लाह
दो बेचते हैं, हो सकता है तीन भी बेचते हैं, हो सकता है चार भी बेचते हैं, पक्का नहीं पता। लेकिन वैसे मेरे भाई को, मेरी बहन को बहुत शौक है। तो कीपिंग कैट्स इज़ अ बिट हार्ड, ठीक है, इनकी मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस होते हैं ये लोग। अगर ट्रेन ना हो, तो पूरे घर में वॉशिंग करते रहते हैं। और इनको खाना ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीन दफ़ा दिन में मैं खाना देता हूँ, पानी चेंज करना होता है रेगुलरली, फिर कोई इशू हो वेट के पास लेके जाना है, चेक करवाना है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप अ कैट, गुड, गो अहेड, लेकिन मज़ा आएगा। एंड मेरे पास साइनीज है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर्जियन बहुत मेन स्ट्रीम हो गई, हर बंदे के पास पर्जियन होती है, तो मैंने कहा हम साइनीज रखते हैं। तो ये सीन है, ये ही सीन है, और क्या बताना। और कल मैंने जाना है नेविगेशन फ्लाइट पे टू लेमम, लेमम से जर्फ, जर्फ से सेवा पापा शेखपुरा, सेवा पापा से हाफिस, हाफिस से वापस। तो उसमें फिर हम आपको मिलते हैं, सी यू।